हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नॉलेज ऑन एक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑन आउटकम ऑफ एक्शन ये जो टॉपिक है ऑल दो बी और एम दोनों में पढ़ाया जाता है बट फिलहाल ये आपका जो टॉपिक है ये एजुकेशनल स्टडीज़ का है ठीक है नॉलेज ऑन एक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑन द आउटकम ऑफ एक्शन

ये लर्निंग से और डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है ठीक है दिस कॉन्सेप्ट हाईलाइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ बोथ प्रोएक्टिव नॉलेज एंड द रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस ऑफ आउटकम इन इम्प्रूविंग्स वन स्किल्स एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये हाईलाइट करते हैं इम्पॉर्टेंस किसकी नॉलेज की एंड एनालिसिस जो भी आउटकम आया मतलब जो फाइनल रिजल्ट आता है उसके एनालिसिस के बारे में ये बात करते हैं ठीक है ताकि कोई भी पर्सन है उसके स्किल्स इंप्रूव हो और उसकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज बेटर हो लेट्स डेल्व इन टू ईच कॉन्सेप्ट इन डिटेल सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉलेज ऑन एक्शन के बारे में नॉलेज ऑन एक्शन रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन स्किल्स स्ट्रैटेजीज एंड थ्योरीज दैट एन इंडिविजुअल प्रोजेसिस बिफोर टेकिंग अ स्पेसिफिक एक्शन इसका मतलब इसने क्या बोला कि जो नॉलेज ऑन एक्शन होता है इसका क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है कोई भी इंफॉर्मेशन स्किल स्ट्रैटेजी कोई भी थ्योरी जो एक इंडिविजुअल के पास होती है मतलब जो सपोज आप कुछ करने वाले हो कोई भी चीज़ आप परफॉर्म करने वाले हो लेकिन उससे पहले जो नॉलेज आपके पास है उस चीज़ से रिलेटेड ठीक है वो यहाँ पे आ जाती है सो थ्योरी दैट एन इंडिविजुअल पोजेस बिफोर टेकिंग अ स्पेसिफिक एक्शन कोई भी एक्शन लेने से पहले आपके पास जो उस एक्शन को लेने के लिए नॉलेज चाहिए वो नॉलेज होना इज नॉलेज यहाँ पे उसकी बात हो रही है नॉलेज ऑन एक्शन दिस टाइप ऑफ नॉलेज इज बेस्ड ऑन प्रायर लर्निंग ट्रेनिंग एजुकेशन एंड एक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंस मतलब आपने जो भी चीज़ सीखी है आज तक जो चीज़ आपने लर्न करी है किसी चीज़ की ट्रेनिंग आपने ली है आपने कोई एक्सपीरियंस इकट्ठा किया है इस नॉलेज ये जो सारी नॉलेज है ये इसी सब पे बेस्ड होती है मतलब आप सोचो अगर आप कोई चीज़ परफॉर्म करने वाले हो ठीक है यू आर गोइंग टू परफॉर्म समथिंग या मैं कोई चीज़ पढ़ा पा रही हूँ इफ़ आई एम एबल टू टीच यू समिंग तो वो किस पे बेस्ड है वो बेस्ड है जो मेरे पास पहले से लर्निंग है जो मेरी पहले से नॉलेज है जो मेरा एक्सपीरियंस है है ना तो इस टाइप के नॉलेज बेस्ड होती है प्रायर लर्निंग पर ट्रेनिंग पर एजुकेशन एंड एक्यूमिलेटेड एक्सपीरियंस पर एंड इसके अंदर थियोरिटिकल नॉलेज आ जाती है प्रैक्टिकल स्किल्स आ जाते हैं कंटेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग आ जाती है जो किसी भी पर्सन के एक्शन को गाइड करती है क्या आ जाती है कॉन्टेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग किसी चीज के बारे में अंडरस्टैंडिंग होना जो किसी भी पर्सन के एक्शंस को गाइड करेगी ठीक है तो ये हमारा नॉलेज ऑन एक्शन हुआ for, फिर है फॉर इंस्टेंस अ सर्जन परफॉर्मिंग अ कॉम्प्लेक्स सर्जरी रिलाईज ऑन देअर नॉलेज ऑफ एनेटमी मेडिकल प्रोसीजर्स एंड सर्जिकल टेक्निक मतलब आप इमेजिन करिए एक सर्जन है जो कि एक सर्जरी परफॉर्म करने वाले हैं या कर रहे हैं तो वो जो सर्जरी परफॉर्म करेंगे ऐसा तो है नहीं कि फर्स्ट टाइम मेडिकल की बुक उठा के बुक पढ़ के, के कर दिया नहीं उन्होंने बहुत सारी नॉलेज गेन करी है प्रोसीजर्स ट्राई करे हैं टेक्निक्स परफॉर्म करी हैं जिसके बाद फाइनली उनको वो नॉलेज हुई है सो अ सर्जन परफॉर्म अ कॉम्प्लेक्स सर्जरी एंड इट रिलाईज ऑन देयर नॉलेज ऑफ एनाटमी मेडिकल प्रोसीजर्स एंड सर्जिकल टेक्निक्स एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं वो जो कोड लिख रहे हैं उन्होंने एक नया कोड बनाया है वो किस बेसिस पे बनाया है जो उनकी पुरानी खुद की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो एल्गोरिथम उन्हें पता है जो किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करने के प्रिंसिपल के बारे में उन्हें पता है उसके बेसिस पे उन्होंने डेवलप किया है दोनों केसेस में जो इंडिविजुअल है वो किसी नई सिचुएशन में अपनी जो पुरानी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उनको लगा रहे हैं अप्लाई कर रहे हैं ताकि वो एक्शन अच्छे से हो पाए ठीक है नॉलेज ऑन एक्शन कैन बी फॉर्मल मतलब जो नॉलेज ऑन एक्शन की हम बात कर रहे हैं फॉर्मल हो सकता है जो आपने प्रॉपर एजुकेशन और ट्रेनिंग से लर्न करा हो या फिर क्या हो सकता है इनफॉर्मल जो आपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस या फिर सेल्फ स्टडी से समझा हो सो नॉलेज ऑन एक्शन कैन बी फॉर्मल जो एजुकेशन और ट्रेनिंग से लर्न करोगे इनफॉर्मल मतलब आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस और सेल्फ स्टडी से इसको लर्न करते हो एंड ये एक बेसिक बेस बनाता है फाउंडेशन मतलब एक बेस बनाता है किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क को परफॉर्म करने के लिए या कोई भी आप वर्क करने वाले हो तो उससे पहले ये जो नॉलेज होती है ये नॉलेज आपका बेस क्रिएट करती है उस वर्क को करने के लिए ठीक है नॉलेज ऑन एक्शन क्लियर हुआ नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं दैट इज रिफ्लेक्शन ऑन द आउटकम ऑफ एक्शन कहीं ना कहीं आपको ये पढ़ते ही समझ में आ गया होगा क्या बात हो रही है अब आपने जो परफॉर्म किया वर्क या जो एक्शन आपने किया उस एक्शन के बाद जो आउटकम आया उस आउटकम को आप क्या करोगे उस आउटकम को आप एनालाइज करोगे क्या करोगे एनालाइज करोगे रिफ्लेक्ट करके देखोगे कि जो हुआ तो कैसे हुआ रिफ्लैक्शन ऑन द आउटकम ऑफ एक्शन इनवॉल्व रिव्यूइंग एंड एनाइजिंग द रिजल्ट जो रिजल्ट होता है उसको रिव्यू करते हैं उसको एनालाइज करते हैं कॉन्सिक्वेंसिस को समझते हैं जो भी चीजें हो रही हैं जो भी रिजल्ट आ रहा है क्यों आ रहा है कैसे आ रहा है एंड अफेक्टिवनेस देखते हैं एक्शन की क्या हुआ है क्यों हुआ है ये सब चीजें हम समझते हैं दिस रिफ्लेक्शन अकर्स आफ्टर एन एक्शन हैज बीन कम्प्लीटेड ये जो रिफ्लेक्शन है ये कब होता है जब कोई एक्शन कंप्लीट होता है तब हम रिफ्लेक्शन देखते हैं ठीक है मतलब आप कोई काम करने से पहले थोड़ी ना देखोगे कि वो सही हुआ है कि नहीं हुआ कोई टास्क परफॉर्म करने के बाद ही तो आप उसका रिफ्लेक्शन करोगे सो दिस रिफ्लेक्शन बेसिकली ये जो रिफ्लेक्शन है ये कब होता है जब एक टास्क कंप्लीट हो जाती है उसके बाद एंड आउटकम्स आपको पता है कि आ चुके हैं कोई ना कोई आउटकम आ गया है तब आप उसको रिफ्लेक्ट करते हो जैसे पेपर का रिजल्ट आया अब आप एनालाइज करोगे कि रिजल्ट अच्छा आया या बुरा आया किस जो भी आया क्यों आया है ना तो आउटकम को आने के बाद आप एनालाइज कर पाते हो इससे इंडिविजुअल्स को ना एनकरेजमेंट मिलता है ताकि वो समझे कंसिडर करें कि क्या सही हुआ क्या सही नहीं हुआ एंड फ्यूचर में हम किस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते ठीक है दिस रिफ्लेक्टिव प्रोसेस कैन बी सच सचेज थ्रू डी ब्रीफिंग आफ्टर अ प्रोजेक्ट कंप्लीशन और इट कैन बी एन इंडिविजुअल पर्सन इंट्रोस्पेक्शन तो ये जो रिफ्लेक्टिव प्रोसेस है ये फॉर्मोलाइज हो सकता है ठीक है मतलब आप कैसे इसको समझ सकते हो ऐसा नहीं कि बस ऐसे रिफ्लेक्शन कर लिया मैंने बैठ के नहीं आप उसको सोचोगे कि जो हुआ है क्यों हुआ है और कैसे डीब्रीफिंग मतलब एक प्रोजेक्ट के कंप्लीट करने के बाद आप देखोगे कि क्या क्या एस्पेक्ट्स रहे इस प्रोजेक्ट में कहाँ कहाँ गलती हुई कहाँ कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं हर एक चीज को आप एनालाइज करोगे बाय एनालाइजिंग द आउटकम्स ऑफ एक्शन इंडिविजुअल कैन आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ वीकनेस पैटर्न एंड एरिया फॉर ग्रोथ जब कोई भी पर्सन एक्शन को एनालाइज करते हैं एंड मतलब जो भी हुआ है उसको समझने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कहाँ पे उनके पॉजिटिव पॉइंट्स रहे स्ट्रेंथ रही कहाँ वीकनेस रही क्या पैटर्न था किस कहाँ कहाँ पे ग्रोथ हो सकती थी फॉर इंस्टेंस अ बिजनेस टीम माइट रिफ्लेक्ट ऑन द सक्सेस और फेलर ऑफ अ मार्केटिंग कैंपेन टू अंडरस्टैंड द फैक्टर दैट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इट्स आउटकम मतलब इसने क्या बोला अगर हम इंस्टेंस की बात करें एक बिजनेस टीम जो है वो रिफ्लेक्ट करेगी क्या ऑन द सक्सेस और फेलियर ऑफ मार्केटिंग कैंपेन की कोई उन्होंने एक मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च किया था वो सक्सेसफुल रहा या फेल रहा वो तो बाद में ही हो पाएगा ना मतलब उन्होंने वो रिफ्लेक्ट करेंगे कि वो सक्सेस रहा या फेलियर रहा कैसे ताकि समझेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से जो आउटकम आया है वो किस फैक्टर्स की वजह से आया है एक्सपोर्ट टीम रिव्यू करेगी अपनी परफॉर्मेंस ताकि उन्हें पता चले कि क्या स्ट्रैटी थी क्या काम करा क्या नहीं करा किस में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो ये रिफ्लेक्शन होता है जो हो चुका उसके बारे में सोचना उसको एनालाइज करना द रिलेशनशिप बिटवीन दीज कॉन्सेप्ट कैन बी अंडरस्टूड एज अ कंटिन्यूस साइकिल जो रिलेशनशिप होता है ना इन कॉन्सेप्ट के बीच में उनको आप एक एज अ कंटिन्यूअस साइकिल की तरह समझ सकते हो मतलब पहले आप एक एग्जिस्टिंग नॉलेज को अप्लाई करोगे किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए ठीक है आपको नई चीजें समझ में आई और आपने उस एक्शन के टाइम पे कई चीज़ें एक्सपीरियंस करी अब क्या करोगे रिफ्लेक्शन ऑन आउटकम मतलब अब आप देखोगे कि जो भी रिजल्ट आया है अब आप देखोगे कि ऐसा क्यों हुआ कहाँ पे काम करा कहाँ पे काम नहीं हुआ बना कहाँ पे मेहनत करने की ज़रूरत है अपने एक्सपीरियंस से सीखोगे अब आप क्या करोगे एक्सट्रैक्टिंग लेसन फ्रॉम द रिफ्लेक्शन प्रोसेस जब आपने ये रिफ्लेक्शन करा था एनालाइज किया था तो जो भी आपको समझ में आया उन लेसन्स को आप समझोगे एंड इंटीग्रेट करोगे इन लेसनस को एक पर्सन की नॉलेज में ताकि फ्यूचर एंडेवर्स को आप समझ सको दिस साइकिल ऑफ नॉलेज एप्लीकेशन आउटकम रिफ्लेक्शन एंड कंटीन्यूअस लर्निंग फॉर्म्स द बेसिस फॉर स्किल इंप्रूवमेंट डिसीजन मेकिंग रिफाइनमेंट एंड एक्सपर्टीज डेवलपमेंट ओवर टाइम तो जो ये साइकिल है नॉलेज एप्लीकेशन की आउटकम रिफ्लेक्शन की कंटिन्यूस लर्निंग की वो एक बेस बनाती है ठीक है किस चीज़ का बेस ताकि स्किल इंप्रूवमेंट हो पाए ताकि आपका डिसीजन मेकिंग और अच्छी हो पाए ताकि आपकी डेवलपमेंट हो पाए सो so, अब आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे कि किस तरह से रिलेटेड है नॉलेज ऑन एक्शन एंड रिफ़्लेक्शन ऑन आउटकम ऑफ एक्शन ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा यू विल फाइंड मेनी यूजफुल वीडियोज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज आपको मिलेंगे कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा थैंक यू सो मच हैव हैवे नाइस डे आई सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो